नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो मानदेय के ऊपर है। जैसे कि आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या आशा कार्यकर्ता हैं या फिर आप एक मनरेगा मजदूर हैं, तो ये खबर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो कि यहाँ पे खबर निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा किया गया है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि जो भी आंगनबाड़ी या मनरेगा मजदूर या आशा कार्यकर्ता हैं, उन सभी को मानदेय के ऊपर बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। तो उस खबर को मैं आप सभी को दिखाऊंगा, जो कि एक न्यूज़पेपर में ये खबर प्रकाशित हुई है। और उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे कि जो आपका मानदेय होता है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके आप सभी को जितना मानदेय होता है वो दिया जाता है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो भी आपको योजनाएँ दी जाती है केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से, तो उन योजनाओं को आप लोग अपने तरफ से बखूबी निभाती हैं और अपना काम समय पर पूरा कर देती हैं। और जितना आपको मानदेय दिया जाता है वो मानदेय आप सभी के लिए काफ़ी कम है। कि आज का टाइम चल रहा है उस टाइम के हिसाब से जो मानदेय मिलना चाहिए आप लोगों को नहीं मिलता है। अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। तो चलिए चलते हैं उस न्यूज़पेपर की ओर। तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो खबर प्रकाशित की गई है वो जनसत्ता के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। तो यहाँ पे जो शीर्षक दिया गया है, आंगनबाड़ी आशा और मनरेगा मजदूरों का बढ़ सकता है मानदेय, सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। एक तरफ से कहें तो ये जो मानदेय बढ़ाने की बात कही जा रही है वो सभी आंगनबाड़ी आशा और मनरेगा मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर है, जो कि सरकार इसमें बड़ा कदम उठाने जा रही है। तो ये खबर 20 जुलाई 2021 शाम को 6 बजे ही प्रकाशित की गई थी। और साथ ही आप लोग नीचे देखेंगे जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका फोटो भी साथ में प्रकाशित किया गया है। और यहाँ पे जो दिया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने की 8 मुख्यमंत्रियों से बात। तो आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ती और मनरेगा मजदूरों को जल्द ही मिल सकती है अच्छी खबर। इसको लेकर सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल सरकार कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बदलाव करने की योजना बना रही है। योजना के मुताबिक सरकार कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 1986 और 1987 से बदलकर 2019 करना चाहती है। यहाँ पे समझने वाली बात है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार है, यानी कि पहले 1986-87 में जो महंगाई का रेशियो था वो कुछ अलग था, लेकिन अब इसको बदल कर 2019 करना चाहती है कि इस टाइम के हिसाब से जो मानदेय होना चाहिए उसमें ये बदलाव करना चाहती है। साथ ही सरकार कंजप्शन बास्केट में भी बदलाव करना चाहती है। इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है, यदि ऐसा होता है तो यदि ये जो बदलाव है 1986 और 87 से बदल कर 2019 हो जाता है, यानी कि ऐसा होता है तो आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ती मनरेगा मजदूर और मिड डे मील योजना में जो लगे लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ये योजना लागू हो जाती है तो जो ये मनरेगा मजदूर आंगनवाड़ी आशा और मिड डे मील में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए उनके मानदेय में बढ़ोतरी हो सकती है। एक अधिकारी का कहना है कि नए आधार वर्ष कंजप्शन बास्केट की सितंबर में घोषणा हो सकती है। सितंबर में इसकी घोषणा की जा सकती है कि जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाए। तो सारे खबर को देखने के बाद एक ही बात सामने निकल के आ रही है, अगर ये योजना लागू हो जाती है तो जो भी आंगनबाड़ी आशा एवं मनरेगा मजदूर हैं उनकी जो मानदेय है आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। तो इसके लिए अभी आपको फ़िलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।